Assalamu alaikum, dear students, welcome back to our channel MCQs platform. Today we have brought another interesting concept of gerund. Most of the students get confused while differentiating between gerund and present participle. It is the reason they cannot attempt correct option, correct answer in the competitive exams. Before going to start today's lecture, I would like to request you to subscribe our channel and press the bell icon so that you can get notification about upcoming important rules of English grammar. So let us move to learn today's topic, gerund. A gerund is a kind of noun. It is formed from a verb. Gerund ek kism ka noun hai jo ke वर्ब से बनाया जाता है. इसकी पहचान कुछ इस तरीके से है कि इसके एंड में आईएनजी लगता है. यू मे रिकॉग्नाइज अ जेरंड दैट एंड्स विद आईएनजी. सो यू मे से अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी एंड यूज्ड एज अ नाउन इज कॉल्ड एज अ जेरंड. एक ऐसा वर्ब जो कि आईएनजी पे एंड होता हो और वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे. इसी तरीके से कुछ एग्जांपल हैं जो कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं जेरंड और वर्ब के दरमियान, कि हम ऐसे ना प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम जेरंड कर बैठे और जेरंड को प्रेजेंट पार्टिसिपल करें. तो पोजीशन बहुत मैटर करती है. जैसे कि इस एग्जांपल में टू राइट और राइटिंग, देखें टू राइट जो वर्ब है और राइटिंग हम एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. जैसे अली राइट्स एवरी डे. अब देखें राइट्स या क्या हो गया, राइट्स यहाँ हो गया वर्ब. अली लाइक्स राइटिंग, यहाँ राइटिंग हो गया है एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है. और यहाँ वर्ब क्या है, लाइक्स. आपको पता होना चाहिए जो कि एक बेसिक रूल है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फार्मूला एज अ स्ट्रक्चर होता है. तो इसी तरीके से अली राइट्स एवरी डे, राइट्स यहाँ वर्ब हो गया, अली सब्जेक्ट एज अ नाउन हो गया, और अली यहाँ पर नाउन हो गया, लाइक्स यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइटिंग अगेन नाउन हो गया. एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, इन द फर्स्ट सेंटेंस राइट्स इज़ यूज्ड एज अ वर्ब. ठीक है, अली इज़ डूइंग द एक्शन टू राइट, मतलब वो एक एक्शन कर रहा है लिखने का, टू राइट. इन द सेकेंड सेंटेंस राइटिंग इज सच एज जेरंड नाउन एंड लाइक्स इज़ द वर्ब. ये लाइक्स वर्ब हो गया, राइटिंग जो मैंने आपको पहले समझा दिया. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल क्या है, टू सिंग एंड सिंगिंग. आमना सिंग्स एंड सिंगिंग मेक्स आमना हैप्पी. अब देखें इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इन द फर्स्ट सेंटेंस सिंग्स इधर क्या हो गया, वर्ब हो गया, इज़ यूज्ड एज वर्ब. आमना इज़ डूइंग द एक्शन टू सिंग, मतलब आमना गा रही है, आमना गाती है. इन द सेकेंड सेंटेंस सिंगिंग is used as a gerund and makes is the verb. Again makes yang kya ho gaya, verb ho gaya, aur singing either is a subject noun ho gaya. Theek hai na. To ye tha aaj ka gerund. Isi tarike se ek important note hai ki gerund is always used as a noun, hamesha noun ke taur pe use hota hai. So you must not replace the progressive form of the verb. प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने जेरंड के साथ मिक्स नहीं करना, जो मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ मिक्स नहीं करना. यू मस्ट रिमेंबर दैट जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आर नॉट द सेम, हाउएवर बोथ एंड्स इन आईएनजी. जेरंड भी आईएनजी पे एंड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी पे एंड होता है. जैसे कि अ जेरंड ऑलवेज एक्ट्स एज अ नाउन, अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द वर्ब फ्रेज. कैसे, एग्जाम्पल कुछ इस तरह की, आमना इंजॉयज सिंगिंग. अब देखें इन दिस एग्जाम्पल आमना क्या हो गया, इज़ द सब्जेक्ट. इन्जॉयज़ क्या हो गया, वर्ब इज़ अ वर्ब एंड सिंगिंग इज़ अ नाउन, जो कि एज अ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस हो गया, और ये क्या हो गया, एज अ नाउन हो गया. इसी तरीके से आमना इज़ सिंगिंग. अब देखें यहाँ प्रोग्रेसिव फॉर्म आ गया, और जिसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं. कैसे, इन दिस एग्जाम्पल इज़ सिंगिंग इज़ द वर्ब फ्रेज. इज़ है हेल्पिंग वर्ब कहलाता है इधर, और सिंगिंग एज अ मेन वर्ब कहलाएगा जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ब है. टेलिंग व्हाट द सब्जेक्ट आमना इज़ डूइंग, तो आमना क्या कर रही है, गा रही है, सिंगिंग कर रही है. तो मुझे उम्मीद है आज का आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल MCQs प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हर इम्पॉर्टेंट रूल और कॉन्सेप्ट समझ में आए. और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि CSS, PCS, PMS और सिंगल पेपर जो वन पेपर बेस होते हैं, जैसे FIA इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, IB हो गया,
और मज़ीद जितने भी जैसे टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, जितने भी सिंगल पेपर बेस एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें ये रूल्स और कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए रूल में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।